मैं तुहिन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सर्विस एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। तो मेरा आज का जो वीडियो है ये है एटी गाड़ी का फेलसेफ मोड के ऊपर। नॉर्मली क्या होता है, एटी गाड़ी आप जब स्टार्ट करते हो तो ब्रेक का स्विच दबा के स्टार्ट करते हो, तो कभी कभी क्या होता है ब्रेक का स्विच अगर आपका गाड़ी में ख़राब हो जाए तो आप किस तरीके से स्टार्ट करेंगे, ये आज मैं आज के वीडियो में दिखाऊँगा। तो आइए एक बार देख लेते हैं किस तरीके से हम इसका गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये एक एटी गाड़ी है और इसका हमने ये लीवर को पी में डाल के रखा है। तो नॉर्मल तरीके से क्या होता है, देखिए हम ये ब्रेक को दबाते हैं और इग्निशन स्विच को इस तरीके से देखिए स्टार्ट हो गया। तो ये नॉर्मल तरीके से जो गाड़ी है गाड़ी स्टार्ट होता है। तो अगर मान लीजिए आपका ये जो ब्रेक स्विच है ये स्विच ख़राब हो गया है तो आप किस तरीके से इसको स्टार्ट करेंगे एक बार देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं ब्रेक को अप्लाई कर रहा हूँ और यहाँ पे देखिए ब्रेक का लाइट जो है, लाइट तो काम कर रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसका जो ब्रेक का स्विच है, ये ब्रेक का स्विच का जो कनेक्शन है, कनेक्शन को मैं खोल दे रहा हूँ। खोल दिया, ये देखिए ब्रेक का स्विच को, स्विच का कनेक्शन में खोल दिया। आप देखिए मैं ब्रेक को अप्लाई कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पे ब्रेक तो काम नहीं कर रहा है। तो इस कंडीशन में आप देखिए किस तरीके से मैं इस गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ। तो इसके लिए मैं वही प्रोसेस जारी रखूँगा, इसको पी में लीवर को फेल दिया मैं, गाड़ी का बाहर हूँ, देखिए इग्निशन, ये जो एक्सेसरीज मोड पे है और ये जो ऑन कंडीशन है, ऑन कंडीशन में आप इसको दबा के रखिए, ये देखिए दबा के रख दिया, ये 15 सेकंड तक इसको इस तरह से ही आबार आप दबा के रखिए तो ये स्टार्ट हो जाएगा गाड़ी, देखिए स्टार्ट हो गया। और एक बार दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को एटी गाड़ी का फेलसेफ मोड जो है, फेलसेफ मोड में गाड़ी को किस तरीके से स्टार्ट करेंगे ये दिखाया। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो ज़रूर लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।